हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है हरदविंदर। मैं आपका कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये कैसे बना सकते हैं एमएस पेंट में। पेंटिंग आज सबका फेवरेट जो हॉबी आ सबकी, पेंटिंग आप सबको पसंद है। कंप्यूटर में पेंटिंग और भी इजी है बच्चे, और भी आसान है। बहुत इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें पेंटिंग कर सकते हैं। आज कैसे हम ये शेप्स ड्रॉ करेंगे, रोटेशन कैसे करेंगे शेप्स की, और इसके बारे में सीखेंगे कलरफुल कैसे ये पैटर्न बना सकते हैं। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं न्यू फाइल खोल लेता हूँ। न्यू फाइल खोलने के लिए आपको ये फाइल सेव करनी होगी। सेव कर देता हूँ इसको मैं पैटर्न के नाम से। तो नहीं, सबसे पहले मैंने एक डायमंड शेप बनानी है, तो इसके लिए डायमंड शेप उठाएंगे यहाँ पे और उसका कलर डिसाइड करेंगे। कौन से कलर में बनानी है आपने, ग्रीन कलर में बनानी है। लाइन कितनी थिकनेस रखना चाहते हैं लाइन की, वो डिसाइड करेंगे। और उसके बाद ये माउस के साथ शिफ्ट की प्रेस करके ये आप शेप ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आपने ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है। ट्रायंगल शेप उठा दीजिए, कलर डिसाइड कर लीजिए कौन सी कलर की ट्रायंगल बनानी है। ये ड्रॉ होगी आपकी ट्रायंगल। अब आपने इसको घुमाना है, ये सीधी है इसको बिल्कुल उल्टा करना है। तो उसके लिए रोटेशन में जाके आप 180 डिग्री से घुमाएंगे तो पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी ये शेप। और यहाँ से मूव टूल के साथ उठा के यहाँ पे फिट कर देनी है आपने। थोड़ी एडजस्टमेंट आप कीबोर्ड की एरो कीज़ के साथ भी कर सकते हैं। और दोबारा से सेम शेप की आपने सेम कलर की शेप फिर से बनानी है। तो यहाँ से उठा लीजिए और इसको उल्टा नहीं करना है, सेम आपने यहाँ पे उठा के मूव टूल के साथ फिट कर देना है। और अब हमने साइड की जो लेफ्ट एंड राइट साइड की ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से ट्राइंगल कलर उठा लीजिए, ट्राइंगल उठा लीजिए और उसका कलर डिसाइड कर लीजिए कि कौन से कलर की बनानी है। ब्लू कलर की बनानी है तो यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए। अब आपने इसको हाफ रोटेट करना है, मतलब पूरा नहीं घुमाना, लेफ्ट हैंड साइड को हाफ घुमाना। तो अब हम रोटेट राइट 90 डिग्री करेंगे, लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे आप, लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे अब, और 180 से पूरा घूम जाता है और 90 से हाफ रिवर्स होती है, हाफ घूमती है बच्चे ये शेप। और मूव टूल के साथ आप इसको यहाँ पे फिट कर दो। सिमिलरली दूसरी साइड बनाने के लिए सेम शेप की आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। अब आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट करना है, रोटेट में जाके रोटेट 90 बाय लेफ्ट और यहाँ से मूव टूल के साथ यहाँ पे फिट कर दें। अब आपने इसमें लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस के लिए लाइन टूल उठा लीजिए, कौन से कलर की लाइन ड्रॉ करनी है वो कलर डिसाइड कर लीजिए। और ड्रॉ करते टाइम बच्चे आपने शिफ्ट की प्रेस कर देनी है और माउस के साथ ऐसे ड्रॉ करोगे लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए एरो कीज यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड पे एरो कीज होती हैं, आपको एरो कीज के बारे में पहले से ही पता है। और दोबारा से दूसरी लाइन बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए ये आप टूल यूज करोगे। पहले हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी, तो ऐसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों आपने ये सीख लिया कि कैसे आपने ये पैटर्न ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव के लिए आप सिंपली सेव बटन पे क्लिक करके अपना नाम दे दीजिए। मान लो मेरा नाम है हरदविंदर, तो उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि कैसे आपने ये पैटर्न बनाना है पेंट में। बहुत ईजी है। शिफ्ट की ज़रूर प्रेस कीजिए स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए, जब भी आप कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं। बिना शिफ्ट से भी ड्रॉ करके देखिए, देखिए दोनों में क्या फर्क है। होपफुली आपको समझ आ गया अच्छे से।